हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्लैश ब्लॉग। ये होने वाला है मनाली ट्रैवल सीरीज़ का लास्ट ब्लॉग, क्योंकि आज मेरा यहाँ पे लास्ट डे है एंड टुडे इज़ 31st। टुमारो इज़ न्यू ईयर, सो वी विल बी लीविंग बैक होम टुमारो। और मुझे वो सोच के अभी से बुरा लगने लगा है। द व्यू दैट आई एम वेकिंग अप टू हियर इज़ जस्ट सरियल। अभी आपको पीछे रिफ्लेक्शन में भी देख ही रहा होगा, बट आई जस्ट शो यू गाइस। यहाँ सारे पहाड़ों पर भी धूप आ रखी है एंड जितने भी माउंटेन हमारे आते टाइम पे ग्रीन थे वो सब अभी वाइट हो गए। इट लुक्स ब्यूटिफुल। यहाँ से बिल्कुल जाने का मन नहीं है एंड ये सोच के कि परसों सुबह हम अपने घर पे उठने वाले हैं, मुझे इतना दुख लग रहा है कि बता नहीं सकती मैं। बट अभी द डे हैज स्टार्टेड एंड अभी कुछ ज़्यादा प्लान्स तो है नहीं। शाम को तो 31st की पार्टी है, बॉनफायर एंड एवरीथिंग इन द अनदर होटल। इसी होटल की जो दूसरी ब्रांच है वहाँ पे पार्टी है, तो शाम का तो वो प्लान है। बट बाकी दिन में हम लोग कहाँ जाएंगे वो अभी डिसाइडेड नहीं है। सो अभी आई एम इन माई ट्रैक सूट बिकॉज आई जस्ट वोकन अप एंड यू नो ब्रश माई टीथ एंड एवरी थिंग फ्रेश एंड अप। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आज हम लोगों ने क्या करना है। सो आई एम ऑल रेडी नाउ। हम लोग बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए हैं टू गो टू सोलांग वैली टुडे। प्लान तो भी यही है बट पता नहीं यहाँ के क्या हो रहा है। अगेन आज भी कैब ड्राइवर ने लास्ट मोमेंट पे हम पे कैंसिल कर दिया है, बट एनी वेज जाना तो है ही। सो मैं रेडी हो गई हूँ। आई जस्ट शो यू माई आउटफिट। सो दिस इज माई आउटफिट फॉर द डे, ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट आई वोर यस्टरडे। बट कल तो मैं ढंग से फोटोज ले नहीं पाई थी, तो आज तो मैं ज़रूर लेने वाली हूँ। सो आई एम इन एन ऑल ब्लैक एंड वाइट मोड। मैंने मेकअप के लिए ब्राउन स्मोकी आइज़ किया है एंड दिस पिंकिश पीचिश कलर्ड लिपस्टिक, तो ये मैंने लगाई हुई है। एंड रात को क्योंकि न्यू ईयर पार्टी है तो उस टाइम पे आई थिंक आई विल वेयर द सेम आउटफिट। आई एम लाइकिंग इट एंड आई यू नो एम्प अप द मेकअप लुक। सो या दिस इज माय लुक। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको आज का लुक कैसा लगा। फाइनली कैब वाला आने वाला है तो अभी हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। एंड द वेदर अपडेट इज कि आज काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई है, तो सब कुछ बहुत क्लियर दिख रहा है एंड फोटोज बहुत अच्छी आ रही है। अभी का प्लान तो यही है कि हम सोलांग वैली जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सब वेट कर रहे हैं टैक्सी का एंड यहाँ पे लोग अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इट इज़ ब्यूटीफुल। छह लोग और कोई होगा बुला लो और किसी को। खराब कोई जाने को मजा नहीं कर रहा, बहुत जाम लग रहा थी इससे। क्या कहता है लगाया। सुबह से तीसरे कैब वाले ने हम पे कैंसिल कर दिया है, तो हम लोग जिस रोड पे परसों निकले थे मनाली मॉल रोड को जो रोड जाती है उस रोड पे हम लोग चल रहे थे। तो जिस कैब वाले ने हम पे कैंसिल किया था हमको वही वाली कैब दिख गई थी एंड वो हमको देख के ऐसे वेव करके दिया। अब पता नहीं चल रहा कि उसने हमको रुकने के लिए बोला या फिर, बट अब वो कॉल भी नहीं उठा रहा है। तो अब हम लोग वापस इसी रोड पर निकल चुके हैं जिस पर हम लोग परसों गए थे मॉल रोड जब जा रहे थे। तो अभी अंकल का प्लान ये है कि अगर सोलांग वैली जाने को नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग हडिम्बा टेम्पल तक जहाँ पे भी कन्वीनियंस मिल जाएगा वहाँ से तो वो ले लेंगे, वरना तब तक पैदल निकल गए। पर आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। तीन जा रहे हैं तीन पैदल। हाँ मॉल रोड तो पूरा पैक है, कोई कन्वेंस का मोड नहीं मिल रहा, टैक्सी वाले तो जाने को मान नहीं रहे। तो एक टैक्सी वाला हमें मिला जिसने बोला कि जहाँ तक जाम नहीं है वो वहाँ तक ड्रॉप कर देगा। तो मम्मी पापा और आंटी को तो हमने ऑटो में बिठा दिया है और मैं और अंकल और मेरा भाई पैदल पैदल जा रहे हैं बिकॉज मौसम काफ़ी अच्छा है। तो ऑटो वाले हमसे पीछे रह गए। लुक एट द जाम, एक इंच भी गाड़ियाँ नहीं चल रही है। हमने उन्हें ऑटो में बैठाया ये सोच के कि वो लोग थक जाएंगे, पैदल थोड़ा ऑटो से चले जाएंगे, उनसे आगे तो हम निकल गए। 300 अच्छा फ्री। चलो ये ऑटो वाला अच्छा था, फ्री में ले आया यहाँ तक, फ्री बन रहा था वैसे ये चार कदम के तो क्या ही 200 रुपये दे रहे थे।
डेढ़ किलोमीटर पेट दर्द हो गया मेरे इधर से। क्या हुआ, मीठा ज्यादा है? बहुत ज्यादा कड़क चाय। ये तो मैं देख के ही थक गई। अंकल बहुत ऊंचा है यार, देख लो बहुत अंकल बहुत ऊंची चढ़ाई है वो, देखो कहाँ कहाँ तक गए हुए लोग। तो क्या है जाने तो ऐसे कर रही थी, मंदिर तो ऐसा नहीं था। हम फोटो का आंटी माता की जाना है, कोई बात नहीं, जिसे नहीं जाना है पकड़ लो। नहीं याक आ गया, ये माता की सवारी आई है अभी बस। ओ माय गॉड कितना बड़ा है ये। नहीं 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 नहीं, मुझे डर लगता है। मम्मी सर जी ले लो। नहीं नहीं नहीं, दिखाइए एक बार, पकड़ाइए, हटो, कितना प्यार है। मैं फोटो खींच और जब बहुत सारी खींच रहा तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं हिडिंबा मंदिर। ये यहाँ पे लोग हिडिंबा माता को पूछते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने अभी यहाँ के जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम था वो पहन के भी बहुत सारा फोटो शूट कराया। एंड दैट इज़ द मोमेंट जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया। मैं गोल अंडे जैसी लग रही थी, बट द आउटफिट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। एंड अभी हम लोग सोच रहे हैं अंदर जाए या ना जाए, क्योंकि लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी लगी हुई है। बट इतना ज़्यादा हमने कम से कम भी नहीं थे, यहाँ पे 130 या 140 सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँचे थे। तो सोच रहे कि यहाँ तक आ गए तो अंदर चले जाए। बट लेट्स सी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी भीड़ है। कल हो गए उसका, हो गया कि बारह सिंगा नहीं है, बारह सिंगा का वो है उधर वाला हमारा। हाँ याक भी नहीं है, याक का वो इतना छोटा नहीं है ना भाई। नहीं याक, याक के सींग जो है ना बीच में डिस्टेंस होता है, इसमें बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। हाँ इसके बीच से दोनों जो होगा याक का वो है, वो है यार। अभी हम लोग हिडिंबा माता के दर्शन करके आए हैं। अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड थी, तो अंदर मैं वीडियो नहीं बना पाई, बट इट वॉज क्वाइट नाइस। तो हम लोग अभी वहाँ से आ गए हैं, अभी यहाँ से 50 मीटर्स आगे हैं। पैर नहीं थे, बहुत सारी मूर्ति भी थी, नहीं एक हिडिंबा की थी और एक गणेश जी की थी। हाँ उनकी कुछ ऐसे सीन सी भी दिख रही थी यार, मैंने नहीं देखी। गोल्डन कलर की थी, उसने माता की मूर्ति ही नहीं देखी। अजय इधर से, हाँ पाँव के ऊपर टॉप में माता की मूर्ति थी। आ जाओ बाबा इधर से। तो मंदिर के अंदर माता के चरण थे, उसके दर्शन थे, और माता की मूर्ति और गणेश जी वगैरह की भी मूर्ति थे सब कुछ। और अभी यहाँ से 50 मीटर्स आगे घटोत्कच स्थल है। अभी मुझे नहीं पता कि वो मंदिर है या उनके घर था जो भी था, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं।
एंड अभी थोड़ा थोड़ा ठंडी पड़ने लग गई है, अभी दिन का टाइम हो गया। और जिस एरिया में हम लोग हैं अभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंगल टाइप्स एरिया है, तो अभी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन लग रहा है, तो अभी ठंडी लगने लगी है, बट द एरिया इज़ ब्यूटिफुल। माता हिडम्बा के मंदिर जाके आ गए, उसके बाद हम घटोत्कच के मंदिर गए थे, अब हम उनके बेटे बारबड़ी के यानी कि खाटू श्याम जी के मंदिर जा रहे हैं जो कि थोड़ा सा और आगे है। और यहाँ पे सारे मंदिरों में असली जानवरों चिड़ियों के स्कल टंगे हुए हैं सींग के साथ, ना इंटरेस्टिंग था, ऐसा और किसी मंदिर में मैंने अभी तक नहीं देखा। तो अब हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के मंदिर, नहीं ये है जय महर्षि जमदग्नि जी, आई थिंक ये भी कुछ और ही है, ये कुछ और है, खाटू श्याम जी का नहीं है, ये जगदम्नी के ऋषि जी का पूजा स्थान है ये। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? ऊपर है बेटा, ऊपर है, पापा चल रहे हैं आ गए हैं यहाँ तक, तो कितनी दूर है? बस पैदल जाना लगेगा 15-20 मिनट लगेगा। 15-20 मिनट खाटू श्याम जी का मेन, मैंने खींचा ली फोटो, खाटू श्याम जी का मेन मंदिर राजस्थान में। पता किस चीज से? शिव पूजन का है, शिव का है, और यहाँ मनाली में यहाँ मनाली में तो याकूल का भी मिलता है ना, याकूल ये छोटा है, ये मफलर है। जागा रहे हो लेकिन तुम लोग हैं, ओ बाप रे, तुम इधर से क्यों जा रहे हैं? अच्छा आओ मम्मी, भाई साहब इनका तो चलना ही नहीं खत्म हो रहा है पूरे रास्ते। यहाँ का भुट्टा बहुत अच्छा है, इट इज डेफिनेटली नॉट लाइक द वन वी गेट इन दिल्ली एंड नोएडा, स्वीट कॉर्न जैसा है, आई लाइक इट, पर 50 रुपए का एक भुट्टा है। ये सिड्डू होता मोमोज की तरह स्टीम्ड है, सिद्धू बाजी कह रहा है मम्मी, ये सिड्डू, ये इसके अंदर ड्राई फ्रूट भरे होंगे और ये स्टीम्ड है, पकड़ो, ये यहाँ हिमाचल की स्पेशलिटी होती है, टेस्ट करके बताओ कैसा है। ये नॉन वेज तो नहीं होगा ना, वो ड्राई फ्रूट मम्मी, चटनी तो बहुत टेस्टी है। अब सिड्डू कैसा है? वो बेगल हेलो बढ़िया है, बढ़िया मसाले का तो इसमें कुछ नाम भी नहीं है खाली, अरे ड्राई फ्रूट बेगल के ऐसे होते हैं। भाई जैसे जैसे दोपहर खत्म हो रही है, अभी 4 बजने वाले हैं और यहाँ पे धूप बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया, एकदम से मेरे हाथ नीले पड़ गए हैं, बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन रुक गया हाथों पे, हाथ बिल्कुल नीले पड़ गए हैं मेरे ठंड के मारे, बट मैं अभी ग्लव्स नहीं पहन रही बिकॉज ग्लव्स पहन के मैं फ़ोन ऑपरेट नहीं कर पा रही हूँ शिद्दत देखो व्लॉग करने की। तो अभी ये शॉल मैंने जस्ट अभी खरीदा था ऊपर हिडम्बा टेम्पल के पास से, तो मैंने अभी वही लपेट लिया, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। एंड अभी हम लोग वापस चलते चलते मॉल रोड के पास पहुंच गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं क्लब हाउस, तो ये अपेरेंटली यही क्लब हाउस है, यहाँ पे जिप लाइनिंग वगैरह हो रही है व्यास नदी के पास में। एंड ठंड इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि नदी के पास जाने की तो मन भी नहीं कर रहा, और क्या ही करेंगे क्योंकि जिप लाइनिंग तो हम में से किसी को भी करने का मन नहीं है, और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम लोग बस साइड से निकल के अभी मॉल रोड पे जाएंगे और वहाँ से फिर मोस्ट प्रॉबली वापस होटल चले जाएंगे। एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मनु ऋषि का टेंपल है, और यहाँ के लोकल्स बता रहे हैं कि वो अपेरेंटली हमारे हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग वो हमारे फर्स्ट बॉर्न ह्यूमन बींग थे और हम सब उन्हीं के बच्चे रिलेटेड टाइप्स हैं, तो वहाँ जाने का मन था बट वो अभी और चलना पड़ेगा पैदल, तो अभी तो सब थक गए हैं बिकॉज सुबह से ट्रैफिक के कारण हम लोग पैदल पैदल ही चल रहे हैं, अब किसी में भी हिम्मत नहीं बची है, तो फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि अब सब लोग जा रहे हैं वापस होटल,
तो अब मैं होटल जाकर आप लोगों से चेक इन करती हूँ। एंड फाइनली आई एम बैक टू माई रूम। बाप रे, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है अचानक से, और इधर के तरफ तो धूप भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अभी तो आई थिंक 4:30 बज रहे हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड। तो मैं तो रूम पर पहुंच गई हूँ, बाकी लोग दूसरे टैक्सी में आ रहे थे तो वो लोग पीछे हैं। मैं मम्मी पापा पहुंच गए हैं, मम्मी पापा अपने रूम में हैं एंड नाउ इट्स जस्ट माय हीटर एंड मी, दैट्स इट। आई एम जस्ट वार्मिंग माई सेल्फ अप क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। एंड दिस शॉल वॉज लिटरली अ सेवियर, इतना ज़्यादा गर्म शॉल है, मतलब मेरा हाथ एकदम जम चुके थे और मैं पूरे टाइम इसके अंदर हाथ करके बैठी थी एंड माई हैंड्स आर वार्म एंड कोजी नाउ। अभी मैं हीटर के आगे बैठ गई हूँ, अब मुझे थोड़ा राहत मिल रही है। आई एम गोइंग टू रेस्ट फॉर अ बिट एंड उसके बाद हम लोगों को रेडी होना पड़ेगा बिकॉज द न्यू ईयर्स पार्टी इज़ एज आई टोल्ड यू इज़ इन अनदर होटल जो इसी का ब्रांच है, तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। डिनर वगैरह भी सब वहीं पे है। सो आई रेस्ट फॉर नाउ एंड माई हेयर इज़ ऑल्सो अ मेस, तो मुझे ये सब फिक्स करना रहेगा अभी। एंड यार, जो मैंने सरोजनी से फ्लीस लाइन वाली लेगिंग खरीदी थी ना, ब्लैक एंड स्किन कलर की, ओ माई गॉड गाइज, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है ना तो सरोजनी से ले लो या अमेजोन से ले लो, मैं नीचे लिंक दे दूँगी, पर उसे ज़रूर ले लो। वो मेरी इस ट्रिप की बेस्ट परचेज रही है। लाइक मैं पूरे मनाली बर्फ में पता नहीं कहाँ कहाँ उसमें घूम के आ गई हूँ और मेरे पैरों पे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। मैं हेड टू टो पूरी जम जा रही हूँ बट माई लेग्स आर सुपर सुपर वार्म एंड कोजी। एंड एक दिन मैं रात में उसको पहन के सो गई थी तो मेरे पैर इतने ज़्यादा गर्म हो गए थे कि मुझे सफोकेशन होने लग गई थी एंड आई हैड टू चेंज इट एट द नाइट। तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, तो वो तो आप ले ही लो बिल्कुल। Many hours later. मैंने अभी अपना आउटफिट चेंज कर लिया, दिस इज व्हाट आई विल बी वियरिंग फॉर द नाइट। ये स्वेटर है एंड ये मैंने ब्लैक अपने स्टॉकिंग्स पहने हैं क्योंकि इसमें नीचे वूलन सॉक्स भी है तो मुझे ठंडी नहीं लगेगी। एंड अभी मैं अपने फुटवेयर, हेयर स्टाइल, मेकअप वो सब तो अभी करूंगी। फाइनली आई एम ऑल रेडी, दिस इज व्हाट आई डिड फॉर माई मेकअप, अ लिटिल रेड लिप एंड ब्लैक स्मोकी आई। आई एम रिपीटिंग द सेम बूट्स बिकॉज हील्स वाले बूट्स कैरी करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। वी हैव टू डांस, इग्नोर द मेस, आके सब करेंगे। लेट्स गो। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. फाइनली बैक टू द होटल। 12 बजे पार्टी ख़त्म कर दी, पता नहीं क्यों बोला था कि 2 बजे ख़त्म होगी और बाकी होटल्स में अभी भी पार्टी चल रही है, हमें म्यूज़िक आ रहा है। बट एनीवेज हम लोग बहुत थक गए थे एंड स्टार्ट जो पार्टी का हुआ था ना, इतना ज़्यादा बोरिंग था। आप लोगों ने वीडियोज़ में देखा ही होगा, हम बॉनफायर के पास बस बैठे हुए थे और इतना धुआं था कि पूरी आँखें लाल हो गई हैं और कोई डांस नहीं कर रहा था वहाँ पे। सब लोग ऐसे बैठ के इतने सैड सॉन्ग, पता नहीं किसका ब्रेकअप हो गया था, ऐसे गाने चल रहे थे और इतना ज़्यादा हम लोग बोर हो गए थे कि हम लोगों ने सोचा थोड़ी देर में चलते हैं वापस। बट देन थोड़ी देर में हमने सोचा कि छोड़ो, किसका वेट करना है, जाके हम लोगों ने डीजे वाले से गाने बदलवाए एंड देन हम लोगों ने डांस करना स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे हम लोग स्टार्ट हुए, एवरीबॉडी स्टार्टेड जॉइनिंग धीरे धीरे करके एंड तक एवरीबॉडी वॉज इन द फुल फॉर्म और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। बट 12 बजे पार्टी एंड हो गई, बट इट वॉज नाइस। बट मेरा पिछले साल का न्यू ईयर इससे ज़्यादा अच्छा था। हम लोग धर्मशाला गए थे एंड स्टिल दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज दैट आई हैव। बट येट मनाली वॉज ब्यूटिफुल एंड आई कुडंट हैव आस्ट फॉर अ बेटर एंडिंग टू 2022 एंड बिकॉज अभी 12 बज गए हैं। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आई नो न्यू ईयर को स्टार्ट हुए, एक डेढ़ हफ्ता हो चुका है, बट स्टिल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप सबकी विशेज सारी पूरी हो जाए 2023 में एंड
एंड आई विश 2023 की आप सबको बस हैप्पीनेस मिले, जितना कोरोना वगैरह से सैडनेस हुआ है ना सब खत्म हो जाए, मे दिस ईयर बी फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड जॉय। एंड अनदर थिंग, आई एम रियली रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है 2022 में, लेट अस कंटिन्यू दैट इन 2023 एंड आई होप टू ग्रो द चैनल एंड ग्रो अस इन 2023 अ लॉट मोर दैन वी डिड इन 2022, फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे and I wanted to have a last view of this beautiful place, like I'll be missing this so very much. I'm sleeping to this view, last day today, kal hum log fir wapas apne ghar pe sone wale hain and that just hurts me like nothing, but ye bahut zyada sundar hai, I will miss it a lot. Ab log dekho kitna zyada yahan pe sab kuch sundar hai and abhi to party chal rahi hai har jagah pe, to shor sharaba ho raha hai, but sleeping to this and waking up to that gorgeous view, mountain, snow-covered mountain, I'm just gonna miss it all. So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, will you believe? Finally time aa gaya is beautiful se view ko goodbye bolne ka. Let's have a last look around and then we are leaving. 11 o'clock ka hamara check out hai and abhi 10:45 हो चुके हैं, सो वी हैव टू लीव इन अनदर 10-15 मिनट्स एंड दिस इज व्हाट आई एम वियरिंग, वेरी वेरी कम्फर्टेबल लूज स्वेटर एंड दिस हेड बैंड टू प्रिवेंट द एयर फ्रॉम हिटिंग माई ईयर्स, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी जुकाम लग गया है, कल इतना ज़्यादा डांस किया ठंडी में और पानी भी ठंडा था और इतना चिल्ला रहे थे तो मेरा गला एकदम खराब सा हो गया है। सो मेकअप मैंने बिल्कुल नहीं किया, ओनली लोड्स एंड लोड्स ऑफ मॉइस्चराइजर, क्योंकि स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई है एंड लकीली थैंकफुली माई स्किन डिडंट ब्रेक आउट हियर। बस मैं शूज चेंज करूंगी, आई विल बी वियरिंग द सेम स्नीकर्स जो मैं पहन के आई थी। द फाइनल गुड बाय। हमारी बस वाले का भी कॉल आया था कि बस का टाइमिंग डिले हो गई है, तो 6 बजे की बस थी, अभी वो बोल रहे हैं 9, 10, 11 भी बज सकते हैं और कंफर्म नहीं है, तो आप लोग कैंसिल करा लो, आपको रिफंड मिल जाएगा। बट अभी रेड बस का ऊप्स नो बस फाउंड, कोई बस नहीं है। 2 घंटे की कठिन परीक्षा के बाद हमें मिला है और 2 बजे से बैठे हुए दोनों 2.5 घंटे हो गए। ये मैसेज सुनने को मिला, ये सिचुएशन को समझनी चाहिए, समझो क्या करूं मैं। द नेक्स्ट डे अगर आप लोगों को नहीं समझ लगा तो हम लोगों के ना बस जो ऑपरेटर था उसने एंड मोमेंट पे बस कैंसिल कर दिया था, मतलब ही सेट की जो 6 बजे की बस थी वो 10-11 बजे आएगी, बट दैट इज ऑल्सो नॉट कन्फर्म्ड। सो हम लोग ना खुश हो गए थे, मैं और मेरा भाई, हमें लगा था कि लाइक विल स्टे बैक फॉर अ कपल मोर डेज, बट फिर उसके बाद आंटी गई थी जो वहाँ पे ऑलरेडी बसेस थे उनसे पता करने इफ़ दे हैड एक्स्ट्रा सीट्स, एंड लकीली और अनलकीली वी गॉट 6 सीट्स एंड फिर हम लोग आ गए थे उसी दिन वापस। सो हम लोग इधर पहुँचे थे 2nd की मॉर्निंग को, एंड जब ट्रैवल करके कहीं जाते हैं ना तो इतना एक्साइटमेंट रहता है कि बिल्कुल थकान नहीं होती है, एंड जब वापस आते हैं ना आई एम लाइक डेड, मतलब मैं पूरे टाइम बस में सोई थी, आई डिडंट व्लॉग एनीथिंग बिकॉज अंदर से इतना लो फील हो रहा था ना कि मेरा मन ही नहीं हुआ व्लॉग करने का। एंड कल भी पूरे दिन मैं ऐसे ही पड़ी थी बेड पे, आई डिड नथिंग, लाइक 2 डेज आई हैव डन एब्सोल्युटली नथिंग। फिर 2nd को तो आंटी का बर्थडे भी था, सो वी वेंट देयर टू सेलिब्रेट and that's all that I did for the past 2 days because like my mind is still somewhere in Manali and I'm feeling so bad, like ye mere sath hota hi hota hai, like these sudden changes my body takes a long time to adapt to it। मैं सोई थी बस में मनाली के पहाड़ों के बीच में एंड सुबह मैं उठी हूँ दिल्ली के पोल्यूशन में, सो लाइक दैट इज डेफिनेटली नॉट द चेंज दैट आई वॉन्टेड, बट लाइक लाइफ इज वॉट इट इज़। सो अभी तो हम लोग पहुँच गए हैं वापस, आई होप आप लोगों को पूरा ट्रैवल सीरीज पसंद आया होगा, एंड लाइक शेयर कॉमेंट एंड ऑल दैट गुड स्टफ। अब मैं बैठ रही हूँ एडिटिंग करने एंड आई एम अंडर द वेदर, मुझे जुकाम लग गया है एंड माई थ्रोट इज पेनिंग अ लॉट, मतलब मुझे यहाँ पूरा इतना हैवी फील हो रहा है, सो आई एम नॉट इन द मूड एंड
कंडीशन टू शूट, तो अभी मैं एडिट करूँगी ट्रैवल सीरीज के जितना भी कॉन्टेंट है एंड आई स्टार्ट पोस्टिंग इट फ्रॉम टूडे इट सेल्फ। एंड या अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि इस न्यू ईयर में हम सब लोग अपने अपने बकेट लिस्ट अचीव करें। एंड प्लीज सपोर्ट मी द वे यू हैव बीन, लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। आई सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।